स्लैम आया, स्लैम आया, देख देख देख, हाँ एक कूदा नीचे 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 देख। अबे भाई लैग, अबे भाई हद है यार लैग की। भाई नहीं हो पा रहा भाई, एंड्रॉइड पे अभी बहुत लैग होता है। हाँ, अबे नया ही लेना पड़ेगा अब। हाँ ले, सोच रहा हूँ iOS लेने का। ठीक है ठीक, अबे लेता हूँ, पहले बात कर लेता हूँ एक आध लोगों से, पूछ लेता हूँ कि XR लूँ या नहीं। XR जितना ही बजट है भाई अपना, है ना। ठीक है बात करता हूँ, रुक जा काम करता हूँ। स्नेहिल से पहले पूछ लेता हूँ क्या लेना चाहिए, उसने 11 लिया ना। ओके ओके, स्नेहिल भाई हेलो। अबे स्नेहिल सुन, अरे भाई करता हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया यार, रुको। कॉल काट दिया, बड़ा बेवकूफ है भाई। अबे भाई अरे भाई 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाले की मार दिया, सुन समझो तो यार बार। भाई इस अबे भाई सुन तो ले, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि मुझे XR लेना है, लूँ या नहीं लूँ, XR जितना बजट है तो भाई बजट ही उतना है ना मेरा। अबे 11 तक का बजट नहीं है भाई, तो XR ही ले लेता हूँ। हाँ तो XR यूजर से ही पूछ लूँ? नहीं नहीं अबे भाई, अब देख ज़्यादा पूछूंगा ना तो पूछ लग जाएगी भाई। नहीं अभी मैं XR ले लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मेरे एंड्रॉइड से तो अच्छा ही चलेगा ना। ओके हाँ तो गाइस मेरा फ़ोन आ चुका है, जा रहे लेने के लिए फ़ोन, क्योंकि डिलीवरी बॉय लेके आ चुका है। आप लोग के सामने लाइव सब कुछ दिखाऊंगा। और रंगीले मोबाइल, अरे भाई बाद में खेल लियो मेरा मोबाइल भाई, रुक बे। अबे मोबाइल कहाँ मेरा, ले डब्बा कहाँ है, 45 में इतना मिलेगा, चल भाई डब, अरे डब्बा मेरा इतना ही मिली 45 में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, देख रहा है मैं कुत्ता बनेगा कुत्ता। A few moments later, भाई तेरा भाई हमारे भाई, हमारे कोई नहीं मार सकता। हेलो देखा क्लच, 2000 years later। अबे हद भाई, 1 fps यार, 1 fps। हाँ भाई 1 fps, ए लैग भाई, ए फिर 1 fps। अबे दिमाग खराब हो गया भाई, 45,000 का फोन भी लाया भाई, दिमाग खराब हो गया। अबे भाई 45,000 यार, 45,000 पानी में चल भी, 45,000 पानी में भाई। तो गाइस इतना वीडियो का पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये जस्ट मजे के लिए ये चीजें थी। बट अब मैं आपको ये इसका फोन का रिव्यू पूरा बताऊंगा सबसे पहले, बट उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बोलूंगा कि मैंने मोबाइल जब लिया तो मेरा 45 का ही बजट था, इस वजह से मैं आईफोन 11 पे नहीं जा पाया, इस वजह से XR लेना पड़ा। कोई शौक की वजह से XR नहीं लिया था, इतना बजट होता तो ऑब्वियसली वही। तो गाइस अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि 2021 में आपको आईफोन XR लेना चाहिए या नहीं, इसमें क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही बेसिकली। बट उससे पहले मैं आप लोग को एक ऐसे पबजी स्टोर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इस गेमिंग कम्युनिटी में ट्रस्टेड है, उनका इनफैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप इस वजह से उन्होंने क्रिएट कर रखा है, व्हाट्सएप पे ये आईडी वगैरह सेल करते हैं। एंड आपको और भी कुछ ज्यादा खरीदना हो पबजी से रिलेटेड मैं बोलूंगा नहीं, तो आप लोग जाकर के ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, कॉमेंट में भी मैंने लिंक पिन कर रखा है, ट्रस्टेड है फुल्ली, आप जाकर के कर सकते हो। तो अगर पीछे से कोई भी नॉइज आ रहा हो इसी वगैरह का तो प्लीज़ अवॉइड करना,
एंड अब उसके बाद बढ़ते हैं कि आपको जो मुझे सबसे मेजर जो इशू फेस करना पड़ता है फोन में वो होता है हीटिंग इशू। एंड हीटिंग इशू की वजह से मोबाइल लैग करता है। तो हीटिंग इशू में आपको जो आपका रूम का टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एसी आपके यहाँ मेक श्योर होनी चाहिए। एसी है मेरे वहाँ, इस वजह से थोड़ा सा मैं नॉर्मल रख लेता हूँ फ़ोन को। बट कभी कभार एसी जैसे लाइट नहीं है या कुछ दिन एसी नहीं चल पाया तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है। एंड अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो, आपके यहाँ एसी नहीं है, कूलर भी है, ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो तो आप लोग कूलर के सामने बैठ के खेलोगे तो फिर भी चिल रहेगा। बाकी अगर आप लोग एकदम घर के टॉप फ्लोर में रह के खेलोगे तो सीलिंग फैन से बहुत ज़्यादा हॉट एयर आएगी एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट करता है आईफोन। तो जो सबसे मेजर इशू है वो मुझे फेस करना होता है हीटिंग इशू। अब बात करते हैं गाइस की जो बैटरी हेल्थ है उसके बारे में। तो बैटरी हेल्थ मुझे आपको पता है मैंने 4 महीने हो गए मुझे फ़ोन लिए हुए, बैटरी हेल्थ इसका बहुत तेज़ी से डाउन चला गया। जल्दी से पहले तो रुका हुआ था 99% से नीचे जा ही नहीं रहा था, फिर एकदम से ये डाउन चला गया है। तो आप खुद देख सकते हो 93% इसका बैटरी हेल्थ है करेंटली इसका। एंड मैंने इसे कोई फास्ट चार्जर से चार्ज नहीं किया है, जो कि इसका 5 वॉट का बेसिक चार्जर था, मैंने उसी से चार्ज किया हमेशा। बट स्टिल इसका बैटरी हेल्थ क्यों गया, मैं चार्ज पे लगाकर गेम भी नहीं खेलता हूँ, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी आईफोन। देन गाइस इसकी बैटरी जो हेल्थ है अभी अगर 90% से नीचे जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इसका जो चार्जिंग है वो बैटरी जो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। जब मैंने लिया था इस फ़ोन को तो मेरा कम से कम ये 5-5 घंटे ज़्यादा नहीं, 5.5 घंटे कम से कम चलता था ये 5.5 आवर्स करके। एंड अभी ये थोड़ा सा जल्दी इसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है तो ये मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे। अभी आगे बात करते हैं कि इसका लैग एंड 1 FPS वाली चीज़ क्या है। तो अभी जो इसका 1 FPS में मुझे प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है, 1 FPS का मतलब जो होता है कि एकदम से गेम अटक जाता है। कहीं मान लो लास्ट टाइम को रोटेशन दे रहे हैं हम लोग, आपको पता है कि मैं पूरा का पूरा स्पोर्ट में घुसा रहता हूँ, सिर्फ दिन भर वही खेलता हूँ। सो मेरे से अच्छा कोई रिव्यू शायद ही कर पाए, कोई जो कॉम्पिटेटिव प्लेयर है वही अच्छा रिव्यू कर पाएगा इनफैक्ट। सो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, जब लास्ट जोन में हम रोटेशन दे रहे होते हैं या कभी भी कुछ भी उस टाइम पे 1 FPS होता है तो मैक्सिमम टाइम मैं मर जाता हूँ। 1 FPS इनफैक्ट सारे फोन में हो रहा है, जैसे कि आपके आईफोन 12 उस तक में 1 FPS का प्रॉब्लम है। ये चीज़ कब रिजॉल्व होगी मुझे नहीं पता, कब सॉल्व होगी मुझे नहीं पता है। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। बट इसे काउंटर करने के लिए एक चीज़ हम कर सकते हैं, लो पावर मोड ऑन करके आप खेलेंगे। लो पावर मोड ऑन करके खेलते हैं तो उससे 1 FPS नहीं होता है, बट अगर लो पावर मोड ऑन कर देते हैं हम तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लैग फेस करना पड़ता है फ़ोन में, इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त नहीं होता। एंड मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब आईफोन का लैग होता है वो एंड्रॉयड से बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। शायद आप लोग को शायद इस बात से थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन जब XR मेरा लैग करता है ना, लिटरली इतना गंदा लैग एंड्रॉयड में मैंने नहीं देखा है। बंदा एकदम फ्रीज रहता है। एंड जब ये लैग होता है तो कुछ मिनट्स तो रहता ही रहता है, 2 मिनट लगातार ये लैग करता ही करता है। तो आप ये समझ लो बेसिकली कि अगर मेरे पास बजट होता अच्छा तो मैं पछता रहा हूँ, मुझे आईफोन 11 ही प्रेफर करना चाहिए था। तो गाइस इतना ही था मेरे पास बताने के लिए, जो मैं एकदम जेन्युइन जो मेरा एक एक्सपीरियंस था आईफोन XR के साथ मैंने वो आपको बता दिया है। एंड हाँ एक चीज़ और, जब भी आप गेम खेलते हो या चार्ज करते हो तो आप लोग कोशिश करना, आपके पास कोई भी फ़ोन है तो आप लोग उसको कवर उतार करके गेम खेलो और चार्ज करो, तो उससे आपका फ़ोन हीट कम होगा एंड बैटरी हेल्थ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो गाइस दिस इज़ द फाइनल रिव्यू कि अगर आप लोग, ये मेरे को 4 मंथ ही हुए हैं, अभी 6 मंथ के बाद मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा इसका रिव्यू देने का। 4 मंथ में बैटरी हेल्थ वगैरह बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो गई है, जो कि थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, क्योंकि मैं चार्ज लगाकर गेम भी नहीं खेलता हूँ, अवॉइड करता हूँ जितना हो सकता है। सो जितना क्या हो सकता है मैंने एक भी बार नहीं खेला है। सो आप लोग इसे समझ सकते होगी कि बैटरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट हुई है बहुत तेज़ी से। तो मैं आप लोगों को पर्सनली बोलूँगा कि आप लोग आईफोन XR से मत जाओ, अगर लेना ही है तो रुक करके 11 लो। एंड अगर एंड्रॉयड के लिए जा रहे हो तो एंड्रॉयड की जा करके फिर XR आप ले सकते हो, ये दोनों चीज़ आप कर सकते हो। तो भाई यही था रिव्यू अभी तक का XR के बारे में कम्प्लीट एकदम। एंड एकदम टेंशन से रहना, मैंने जेन्युइन रिव्यू दिया है। अब भाई वीडियो में इतना ही था आज के लिए, तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से 30K करवा दो। एंड इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड भाई अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना एकदम भी मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।